पप्पू यादव को कैंची छाप। पप्पू यादव क्या इस बार किधर रहेगा आप लोग को? इस बार हम लोग का प्लान है कैंची छाप। तो ये है कि पप्पू यादव आगे विकास करेगा? करेगा। और भरोसा है अगर कोई गरीब मिस्किन का लड़की का शादी हो रहा है तो 10-20-50 हजार वो हेल मदद कर देता था शादी में। पप्पू यादव पे क्यों भरोसा है? भरोसा है, ये जमीन आदमी है, ये इस पर हम लोग को पूरा भरोसा है। जिस तरीके से देख लिए हम लोग तो पप्पू यादव की तरफ ही है, उन्हीं का नाम देंगे। लग रहा है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन, मैं हूं अंकित कुमार झा। अभी जैसे जैसे चुनावी माहौल नजदीक आता जा रहा है वैसे ही राजनीतिक पारा चढ़ने लगी है। अभी हम जिस जगह मौजूद हैं यह पूर्णिया के लालगंज इलाका है और यह कहा जाता है माइनॉरिटी इलाका है। आइए हम जानते हैं यहाँ से लोगों की रुझान क्या है, क्या इस बार किधर रहेगा आप लोग को? इस बार हम लोग का प्लान है कैंची छाप। कैंची आखिर क्यों कैंची छाप? कैंची छाप इसलिए कि वो जीतेगा तो भी हारेगा तो भी वो हम लोग के लिए जिंदा है। जिस टाइम फोन करते हैं उस टाइम में पहुंच जाता है, चाहे जहां से हो जो हेल्प करे वो कर रहा है। लेकिन संतोष कुशवाहा दो टर्म में रहा, आज तक चेहरा नहीं देखे कि कैसा वो सांसद है। वर्तमान सांसद विकास किए हैं कि नहीं बोलते हैं? विकास हमारे गांव में तो न, टाउन में क्या क्या नहीं किया, लेकिन देहात में कहीं कोई विकास नहीं है, कहीं नहीं, कहीं विकास देखे, कहीं नहीं विकास टाउन में। पप्पू यादव कैसे आदमी है? वो तो आज से 10 साल पहले ही जीता था, 10-15-20 साल पहले, तो जो भी भला बुरा अच्छा काम किया था, अच्छा विकास भी किया था, फिर 15-20 साल के बाद ही उपतन लिया है। लेकिन इतना दिन तक वो नहीं भी था, है ना, तो कोई वक्त जरूरत इमरजेंसी पड़ता था फोन करते थे तो 10-20 आदमी से तुरंत पहुंच जाता था। मतलब ये है कि पप्पू यादव आगे विकास करेगा? करेगा। और भरोसा है अगर कोई गरीब मिस्किन का लड़की का शादी हो रहा है तो 10-20-50 हजार वो हेल मदद कर देता था शादी में, जाइए कराइए खिलाइए भोज भात। तीन चेहरा है, बीमा भारती भी है, पप्पू यादव है, संतोष कुशवाहा जी है, आखिर क्यों आपको पप्पू यादव पे भरोसा है? और मैं उस पर पूरा भरोसा है, पप्पू यादव हर भी जगह वो मेरा ही समाज का है और समाज में ही काम आएगा। अच्छा, क्या चीज़ आपका वोट किधर रहेगा इस बार? पप्पू यादव पर। किस नाम पे करेंगे वो? कैंची छाप पे। क्यों? आखिर तीन कैंडिडेट है, संतोष कुशवाहा जी है, एनडीए के उम्मीदवार है, ये लोग को हम लोग देखे नहीं है, ये लोग को हम लोग देखे नहीं है, क्या है? आए हैं, हाँ आए हैं। पप्पू यादव पे क्यों भरोसा है? भरोसा है, ये जमीन आदमी है, ये इस पर हम लोग को पूरा भरोसा है। लोग देखते हैं मोदी, हाँ। को आप देख रहे हैं पप्पू को, ऐसा क्यों? नहीं, पप्पू को जो है, पप्पू हम लोग का जो है समाज का अच्छी नेता है, हम लोग अच्छे। चलिए और हैं, युवा हैं, इनसे जानते हैं क्या इस बार किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? यादव जी को, पप्पू यादव को। पप्पू यादव क्यों? क्योंकि उनका छवि बढ़िया है। अच्छा, वर्तमान सांसद जी नहीं आए हैं, देखे हैं कि नहीं? नहीं, हम तो देखे ही नहीं। बताते हैं कि विकास किए हैं एकदम, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, फलना चिल सब करवा। जैसे है कि जैसे आपको जरूरी पड़ जाए जहाँ पे उस प्रेजेंट खड़ा रहेंगे, और बाकी नेता को अगर फोन करने के बाद अभी फोन किया जाता है तो 3 दिन के बाद आते हैं। पप्पू यादव तुरंत आ जाते, प्रेजेंट आते हैं। अच्छा, तीन कैंडिडेट है, पप्पू यादव है, निर्दलीय उम्मीदवार है, महागठबंधन से बीमा भारती है, जी जी, एनडीए से संतोष कुशवाहा जी हैं, कौन तीनों में किसका पलड़ा इस बार रहेगा भारी? जिस तरीके से देख लिए हम लोग तो पप्पू यादव की तरफ ही है, उन्हीं का नाम देंगे। लग रहा है कि पप्पू यादव इस बार रहेंगे? जी जी। और युवा भी हैं, इनसे जानेंगे क्या कौन रहेगा इस बार? और अब कुछ महिलाएं इनसे जानते हैं क्या इस बार किस मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे? पप्पू यादव को कैसी छाप? क्यों पप्पू यादव को क्यों करेंगे? और भी कैंडिडेट है, तीन तीन मजबूरी में खड़ा होता है, कहीं बुलाता है आ जाता है। वर्तमान सांसद जी ने सहारा होता है गरीब का, वर्तमान सांसद जी ने आते हैं, वो लोग को तो कभी देखुआ नहीं किए, पहचान वोन करते हैं कैसा है? बीमा भारती को देखे हैं कि नहीं? किसी को नहीं, महागठबंधन के हैं, नहीं देखे हैं। पप्पू यादव को देखे हैं? इवेंट क्या है, पप्पू यादव तो आता है उसको देखते हैं, पप्पू यादव उसको कोई मजबूरी पड़ेगा बुलाएगा तो आएगा। विकास विकास हुआ है इधर, फोन भी करेगा तो पप्पू यादव आएगा। विकास हुआ है इधर, कुछ दिन पहले हम लोग पप्पू यादव को देंगे वोट। अच्छा, अभी हम जिस जगह मौजूद थे वहाँ की जनता जो है आमतौर पर यह कहा जा रहा है कि हम लोग इस बार विकास के नाम पर वोट करेंगे, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर विकास के नाम पर ही वोट करेंगे, और वो विकास इनको सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव में दिखाई देता है। पूर्णिया से न्यूज़ फोर नेशन के लिए अंकित कुमार झा की एक रिपोर्ट।